इससे पहले भी मैं इसका सवाल का जवाब दे चुका हूं। भारत के अंदर जो भारत का मुसलमान है और भारत देश, उसके लिए सबसे खूबसूरत मुल्क है। उससे खूबसूरत मुल्क मुझे नहीं लगता कि कोई हो पाएगा, और मैं बड़ा गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय मुसलमान हूं। रही बात जो सवाल के जवाब की है, जैसा ज्योति कुमार सिंह कह रहे थे या असदुद्दीन ओवैसी साहब बात उठा रहे थे, तो आज तो हर तबके के अंदर इस चीज़ का भय है, उसका भविष्य क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या उसके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है। ये तो आज युवाओं के अंदर भी भय है कि पढ़ लिख करके जाने के बाद, डिग्री लेने के बाद उनका मुस्तकबिल आज सेफ है या नहीं है। आज महिलाओं के अंदर भी जो है असुरक्षा का भाव है, क्या करा जाएगा उसके लिए। आप एक पर्टिकुलर चीज को आकर के बोलेंगे, उस चीज से मैं इत्तेफाक नहीं रख सकता। आज तो भय तो किसानों के अंदर भी है कि जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसके लिए क्या करा जाएगा। बहुत से समाज के अंदर भय है इस चीज का। आज देखिए क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मणिपुर के अंदर, वहां पर भी भय की स्थिति है। विदेश में जाकर मुद्दा कुछ और भी हो सकता था। नहीं नहीं, विदेश के अंदर हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो सारा संसार एक परिवार है, ये बात कही जाती है ना, हमारे भारत की संस्कृति है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की उन्होंने आलोचना की और कुछ सवालों के जवाब दिए, तो इससे तकलीफ किसको हो रही है, क्या तकलीफ हो गई ऐसी। हक और सच बोलना कोई गुनाह तो नहीं है, चाहे यहाँ बोले चाहे वहां बोले, चाहे ब्रह्मांड में बोले। आप क्या